कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। देश भर के डॉक्टर्स में उबाल है। देश के कई हिस्सों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सीबीआई अपनी जांच भी आगे बढ़ा चुकी है। आरजीकर अस्पताल में 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज तोड़फोड़ मामले में 25 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं पीड़िता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा, जब सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में उसके साथ ये घटना हुई, तब तक क्या किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी? उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर शक जताया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गयी थी। पीड़ित डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग में MD सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। रात को 12 बजे दोस्तों के साथ डिनर के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी और उसके बाद वो वहां से कभी लौटी नहीं। इस मामले में कई लोग शक के दायरे में आ चुके हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन और इसमें कितने दरिंदे शामिल हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तो साफ है कि ये एक के बस की बात नहीं थी। जिस तरीके से बुरी तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है, ये किसी एक के बस की बात नहीं है। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की, ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल में रेनोवेशन का काम क्यों शुरू हुआ, जल्दी में क्यों किया गया, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश थी, उस रात क्या हुआ, कौन कौन वहां पर था, और भी तमाम सवाल जो है डॉक्टर से पूछे गए हैं। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट को सम्मन कर रही है। सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। ये लोग मृतका के दोस्त हैं, जिनके नाम पीड़िता के परिवार ने सीबीआई को दिए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शक के दायरे में हैं। सीबीआई के रडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड्स भी हैं, कोलकाता पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ काम करने वाले और कर्मचारी भी हैं। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सीबीआई को बताया कि अस्पताल के कई इंटर्न और डॉक्टर इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मृतका के माता पिता ने सीबीआई को उन लोगों के नाम दिए हैं जो वारदात में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जिन पर उन लोगों को शक है। सीबीआई लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से पीड़ित परिवार भी शामिल है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात करें तो अभी तक के जांच और फाइंडिंग के आधार पर संदीप घोष से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीबीआई ने वारदात की जगह पर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट किया है। शुक्रवार को अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम अपने साथ 3D स्कैनर लेकर आई थी। सीबीआई की टीम ने घटना स्थल की मैपिंग की है और एक बार फिर से पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है। आज ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पहले भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। कॉलेज के पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने घोष पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहुत भ्रष्ट आदमी है, छात्रों को फेल करते थे, टेंडर ऑर्डर पर 20% कमीशन लेते थे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में होने वाले हर काम में उन्होंने पैसे की लूट की है। पैसे की लूट समझ में आती है, लेकिन बच्चों पर दबाव बनाना किसी भी तरह का, चाहे पैसे का हो चाहे किसी भी तरह के शोषण का हो, उनको फेल कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट का भविष्य उसी पर निर्भर करता है जो पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर संदीप घोष ने घटना के बाद सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्हें तुरंत कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और परिसर में उन्हें प्रवेश ही नहीं करने दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कौन सी ऐसी जल्दी है कि उनकी नियुक्ति जो है दूसरी जगह कर दी गई? हालांकि बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रशासन में उनकी निरंतर भूमिका पर आश्चर्य जताते हुए उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया। सीबीआई ने पहले संदीप घोष को सिटी सेंटर सॉल्ट लेक के पास उनकी कार से हिरासत में लिया था और शुक्रवार को पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस लाया गया, फिर शनिवार को भी लाया गया। इससे पहले सीबीआई ने शुरुआती मामले की जांच वाली कोलकाता पुलिस, SIT के 2 सदस्य और अस्पताल के 4 डॉक्टर से भी पूछताछ की थी। इस पूरे मामले में सीबीआई की 12 सदस्य विशेष टीम जो है जांच कर रही है। सीबीआई को दिए गए बयान में मृतका के माता पिता ने कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के नाम बताए हैं, जिनसे अब सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई की टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल में किसी तरह की गैर कानूनी कोई और भी गतिविधियां तो नहीं चल रही थी जिसका कनेक्शन इस वारदात से हो सकता है, यानी एक बड़ा षड्यंत्र जो है उसकी तरफ
सीबीआई इशारा कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट के एक आदेश के तहत ही सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये 30 से 35 लोग कौन हो सकते हैं जिनके नामों पर शक जताया गया है या जिनके नाम अब पूछताछ में सामने आ रहे हैं, और एक से ज्यादा इसमें अगर लोग हैं तो वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या उस रात किसी की बाहर से एंट्री हुई थी, क्या मृतका से किसी की जान पहचान थी, क्या मृतका से किसी की लड़ाई थी, क्या मृतका से किसी की खुन्नस थी जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम चीजें हैं जिन सवालों के जवाब अब सीबीआई ढूंढ रही है, और साथ ही साथ तमाम देश के लोगों और डॉक्टर्स को भी इस पूरी जांच का इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नमस्कार।